अगर इसके पीछे कुछ शिक्षकों का भी हाथ है तो मैं वैसे शिक्षकों का समर्थन भी नहीं करता। हाँ, ये फैक्ट है कि कोचिंग संस्थान बंद होने के कारण बच्चों का भविष्य अधर में है। बच्चे जो हैं, जिनका एग्जाम आना बाकी है, वो एग्जाम कैसे देंगे? मैं इस बात को आपसे पूछना चाहता हूँ, कैसे एग्जाम देंगे? तो वैसे बच्चे ही रोड पर उतर रहे हैं। तो अगर अपने कैरियर के लिए उतर रहे हैं, अपने फ्यूचर के लिए उतर रहे हैं, तो मैं कंप्लीट रूप से मैं समर्थन करता हूँ। तो सर, हम लोग शिक्षक आत्महत्या के कगार पर हैं। हमारे घर के बच्चे वो अनाथ हो जाएंगे। सर नमस्कार, मैं निखिल, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज। बिहार में कोरोना का स्तर फिर से बढ़ना शुरू हो गया है, जिससे बिहार सरकार ने आदेश जारी कर दिया है कि 11 तारीख तक सभी कोचिंग संस्थान, स्कूल, विद्यालय, तमाम ऐसे संस्थान है जो जहां बच्चों का जमावड़ा लगता है, वो सभी बंद कर दिए गए हैं। साथ ही साथ शादी जो सामूहिक कार्यक्रम है, वहां भी लोगों की संख्या कम कर दी गई है। और आपको बता दें कि इसी के बाद तुरंत ही कैब के द्वारा एक घोषणा आई थी कि निजी कोचिंग संस्थान ने इस आदेश की अवहेलना की थी। निखिल, हम जब बात किए कैब के सदस्यों से और उनसे जाने कि आप लोग ने ऐसी जो घोषणा की थी वो क्यों की, तो उन्होंने बताया कि ये घोषणा उन्होंने खुद नहीं की है, सरकार के सभी मानकों को वो फॉलोअप करते हैं। और आपको बता दें कि बीते कल जो सासाराम में जो घटना घटी है, तमाम सड़कों पर छात्र उतरकर जो आगजनी का किए हैं, उसको लेकर भी उन्होंने कहा है कि छात्र इस लॉकडाउन से प्रभावित हुए हैं, काफ़ी प्रभावित हुए हैं, उनकी पढ़ाई काफ़ी बाधित हुई है, जिसको लेकर वो सरकार निर्णय ले। और आइए सुनते हैं कि उन्होंने और क्या कुछ कहा। के द्वारा कुछ दिन पहले जो न्यूज़ आई है कि कोचिंग संस्थान नहीं बंद होगी, क्या यह न्यूज़ है? देखिए सर, मैं बता दूं, कैब के द्वारा जो न्यूज आई है वो ये सरकार के अगेंस्ट नहीं है। हम लोगों ने ये आवाज उठाई है कि 11 तारीख तक सरकार ने शिक्षण संस्थान को बंद रखने का आदेश दिया है। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि लास्ट ईयर 21 मार्च से कंटिन्यू संस्थान बंद थी और 4 जनवरी 2021 को संस्थान खोली गई। और इस 3 महीने में हम लोग को इतना प्रेशर है अपने किराया को देने का, इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा करने का, स्टाफ के खर्चों को व्यय करने का, इतनी प्रॉब्लम हम लोग झेल रहे हैं। तो इस 3 महीने में हम लोग क्या कर लिया? हम लोग ने कुछ नहीं किया। हम लोग जितना जो भी हम लोगों ने कुछ कमाया वो सब सिर्फ किराए को भरने लगे और हम लोग बिजली बिल जमा करने लगे। यहाँ इवन ये हुआ कि मेरा 1 महीने का बिजली बिल बाकी था तो आ करके उन्होंने बंद लाइट काट दी, तो मैं कैसे पैर लगा करके इलेक्ट्रिसिटी को फिर से मैंने लाइट लिया। सरकार की मैं पूरी बातों को मानता हूँ, जैसा कि लास्ट 4 जनवरी को जो खुला था तो हमारे सचिव जो शिक्षा सचिव हैं उनका स्टेटमेंट आया था कि इतने सारे SOP को फॉलो करना होगा। जितने भी शिक्षण संस्थान हैं पूरे बिहार के, उन सभी संस्थानों ने उस SOP को फॉलो किया और जितना प्रोटोकॉल उन्होंने लगाया कि हाँ ये फॉलो करना है, ये सोशल डिस्टेंस होगा, बच्चों को मास्क लगा के आना है, सैनिटाइजर करना है, आपको जो मशीन है वो मतलब A to Z इक्विपमेंट्स हम लोग अपने सभी संस्थान को। सासाराम में कल जो घटना हुई है, DM का कहना है कि वहाँ के टीचर लोग, जो निजी संस्थान के टीचर लोग है, वही लोग बच्चों को भड़का है। सर देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है कि सासाराम की जो घटना हुई है, मैं इसका करीब कैद के तरफ से मैं इसका निंदा करता हूँ। ये नहीं होनी चाहिए, ये गलत है, क्योंकि समाज की संपत्ति को बर्बाद करना, मैं इसका कभी भी कैब इसका समर्थन नहीं करता और ना मैं करूंगा। हम लोग कंप्लीट रूप से अपॉलिटिकल हैं, ट्रांसपेरेंट हैं। हम लोग कभी भी जो भी रोड पर अगर ये कुछ किए हैं बच्चों ने, तो मैं बच्चों का समर्थन नहीं करता। अगर इसके पीछे कुछ शिक्षकों का भी हाथ है तो मैं वैसे शिक्षकों का समर्थन भी नहीं करता। हाँ, ये फैक्ट है कि कोचिंग संस्थान बंद होने के कारण बच्चों का भविष्य अधर में है। तो हो सकता है कि बच्चों की मानसिकता होगी कि अगर कोचिंग बंद हो जाएगा तो मैं इस बार नीट का एग्जाम कैसे दूंगा, मैं इस बार जी मेंस का एग्जाम कैसे दूंगा। बहुत सारे कॉम्पिटेटिव के क्षेत्र के बच्चे जो हैं, जिनका एग्जाम आना बाकी है, वो एग्जाम कैसे देंगे? मैं इस बात को आपसे पूछना चाहता हूँ, कैसे एग्जाम देंगे? तो वैसे बच्चे ही रोड पर उतर रहे हैं। अगर उतर रहे हैं तो इसमें शिक्षकों का अगर हाथ है तो मैं तो कभी समर्थन नहीं करूंगा। लेकिन वो अगर अपने कैरियर के लिए उतर रहे हैं, अपने फ्यूचर के लिए उतर रहे हैं,
तो मैं कंप्लीट रूप से मैं समर्थन करता हूं, लेकिन हिंसात्मक रूप को कभी भी कैब समर्थन नहीं करेगा, ना करता है ना करेगा ना किया। सरकार से आप बात करने की कोशिश किए हैं? सर, सरकार के पास तो हम लोग, हमारे जो कैब के सचिव हैं सुधीर सिंह, वो गए हैं सरकार के पास, जो संजय शिक्षा सचिव हैं, उन्होंने अपने बातों को रखा है और आज देख भी रहे हैं कि बहुत सारे न्यूज़पेपर में न्यूज भी आ रही है कि आप सबसे टाइट एसओपी दीजिए, स्ट्रिक्ट एसओपी दीजिए, लेकिन दीजिए और खोलने का आदेश दीजिए। क्यों? क्योंकि सर एक साल हम लोग किराया कहाँ भरेंगे सर? जैसा कि सुनने में आ रहा है कि 11 मार्च के बाद भी डेट बढ़ेगा, तो सर हम लोग शिक्षक आत्महत्या के कगार पर हैं, हमारे घर के बच्चे वो अनाथ हो जाएंगे सर। तो बताइए कि अगर हम लोग के साथ, हम लोग छोटे मोटे संस्थान के शिक्षक हैं, अगर ये शिक्षण संस्थान बंद हो गई तो हम लोग कहाँ जाएंगे? रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।